हेलो फ्रेंड्स, आपने भी आज देखा होगा कि एक नया अपडेट अक्टूबर में आने वाला है। अभी आया नहीं है पर आने वाला है, और उसके बारे में एक वीडियो भी जो है वो आई है। तो उसी के बारे में मैं आपको और बताने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें नई आने वाली है। सबसे पहले इसमें ग्रेक के जो शॉप है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे अपन ग्रेक की शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे देखिए ये इस तरीके से सामान हमें दिखता है कि ये सामान है। अगर जो नया अपडेट आने वाला है उसमें क्या हुआ कि नीचे एक डायमंड का और ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप चाहें कि ये सामान नहीं लेना चाहती हूँ, मैं कुछ और सामान लेना चाहता हूँ, तो उसको आप उस डायमंड पर क्लिक करके आप उस सामान को बदल सकते हैं, कुछ और अच्छा सामान ले सकते हैं। जैसे कि 5 डायमंड का आया, आपने 5 डायमंड में दूसरा सामान जो है वो पूरा नया आ जाएगा। अगर आपको वो भी अच्छा नहीं लगता है तो आप उस पर एक 10 डायमंड का वाला भी ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको और अच्छा सामान उस पर ग्रेक की शॉप पे मिल सकता है। एक तो इसमें ये नया चेंजेज आया है, दूसरी बात इसमें ग्रेक के ही जो फॉर्म है उसके अंदर हमें घोस्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये हेलोवीन वाला टाइम चल रहा है तो इसमें एक घोस्ट मिलेगा, जैसे पम्पकिन के शेप में या किसी में। जैसे अपन ने अभी देखा है कि इसमें फिशिंग एरिया में भी घोस्ट आया, इसी तरीके से ग्रेक के फार्म पे भी हमें जो है वो घोस्ट मिलेगा जिसे हमें ढूंढना होगा। ढूंढने पर जब वो मिलेगा तो उसको क्लिक करेंगे उसी तरीके से, और क्लिक करने पर हमें कुछ ना कुछ नया या तो गिफ्ट मिलेगा या कोई नई चीज़ मिलेगी। इसके अलावा जो नया अपडेट आ रहा है अभी अक्टूबर में, अभी उसमें हो सकता है कि सेंचुरी के अंदर एक नया एनिमल भी हमें मिल जाए, हो सकता है, अभी श्योरली नहीं है। जब पूरा इसके बारे में आ जाएगा और अपडेट आ जाएगा तो जब हम अपडेट इसको करेंगे तब हमें पूरा अच्छे से पता लगेगा, पर शायद एक नया उसमें एनिमल भी आ सकता है। इसके अलावा नए अपडेट में डर्बी का कोई नया डेकोरेटिव आइटम भी आ सकता है, डर्बी के अंदर भी कोई नए चेंजेज आ सकते हैं, कोई डेकोरेटिव आइटम भी आ सकता है। इसी तरीके से एक नई क्रॉप भी आने की संभावना है इसमें, कि एक नई क्रॉप भी वो कोई ना कोई सी इसमें नई डालेंगे। और ऐसा भी देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि इसके अंदर जो नया एरिया है वो खुल सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि साइड में एक नया एरिया बन रहा है रिवर की साइड में, तो हो सकता है वो एरिया खुले, या हो सकता है कि इस साइड में जहाँ अपने पीछे की साइड में या कहीं और ही कोई नया एरिया खुल जाए। फिशिंग एरिया में भी एक नया एरिया खुल सकता है। तो दोस्तों, मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि नया जो आएगा अपडेट उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होगी। अभी हम लोग कंफर्म नहीं है, पर हमने सिर्फ वीडियो में जैसा कि देखा सुना है उससे मैं आपको बता रही हूँ। इसी बारे में अच्छे से मैं भी अभी नहीं बता सकती, तो मुझे भी बहुत जितना आपको इंतज़ार है नई चीज़ का उतना ही मुझे भी इंतज़ार है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आज जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आती है तो मैं उसको डालूंगी तो आपको पता लग जाएगा, और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।